दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोटर में टू पैरेलल कनेक्शन कैसे किया जाता है और टू पैरेलल कनेक्शन क्यों किया जाता है। यह दोनों बात आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों देखिए, मोटर में जो टू पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, वह टू पैरेलल कनेक्शन का ये कारण होता है कि मोटर का गेज ये मोटाई बढ़ाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मोटर 20 नंबर तार से बना हुआ है, तो उसे अगर हम टू पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो वह 20 का डबल हो जाएगा। तो 20 के डबल हमें करने का क्या ज़रूरत है? तो उससे देखिए, मोटर जो होती है वह कोई भी कंपनी बनाती है तो गेज के हिसाब से बनाती है कि इसमें इतना नंबर गेज डलाएगा तो इतना लोड होगा। तो अगर किसी ने बनाया हुआ है, ये सिंगल तार से बनाया हुआ है, अगर टू पैरेलल में उसका कनेक्शन है तो आप उसे साधारण कनेक्शन भी कर सकते हैं डबल तार करके, तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये टू पैरेलल कनेक्शन करके तार के गेज बढ़ाया हुआ था। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि अब ये टू पैरेलल कनेक्शन कैसे किया जाता है। जैसे कि यह देखिए, यह जो मोटर हो गया, यह मोटर हो गया थ्री फेज का मोटर हो गया, और यह देखिए यह मोटर जो हो गया थ्री फेज का हो गया, और यह टू पोल का हो गया। यह मोटर जो है थ्री फेज और टू पोल हो गया, और इसे चलिए अब पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। टू पैरेलल कनेक्शन इसे कैसे किया जाता है? तो देखिए, यह मान लीजिए यह मेरा एक सर्किट हो गया, एक यह हो गया और एक यह हो गया। यह दोनों सामने सामने वाला एक होगा, और यह फिर सामने एक होगा, और यह फिर सामने एक होगा। जैसे आप लोग सिंपल कनेक्शन करते हैं या सिंगल फेज में कनेक्शन करते हैं, सेम उसी तरह है। तो देखिए, मैंने यहाँ से या अंदर से कर दिया है स्टार्ट, या बाहर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ कहीं से। तो चलिए, मैंने यहाँ से ही एक स्टार्ट ले लिया, या बाहर से एक स्टार्ट मैंने कर दिया। एक यह लूप हो गया, और एक फिर यह इसका अंदर वाला लूप हो गया, और फिर यहाँ देखिए यह एक बाहर का लूप हो गया, और एक यह अंदर का लूप हो गया। तो दोनों जो बाहर का लूप होगा यह एक साथ हमको कनेक्ट करना है। यह दोनों बाहर काम में एक साथ कनेक्ट करना है, और फिर यह देखिए, जैसे कि यहाँ कर दिया मैंने बाहर से बाहर को कनेक्ट, और फिर इसका जो अंदर वाला बच गया और इसका अंदर वाला बच गया, तो उससे भी फिर इसे ले लेना है और अंदर से अंदर को कर देना है कनेक्ट। तो यह देखिए, यह मेरा एक सर्किट जो है टू पैरेलल का एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो चलिए मैं इसे मान लेता हूँ ये वन हो गया, यह स्टार्ट था, और चलिए इसका ए टू हो गया, यह ए टू हो गया, और ये इसको हमें मिला लेना है कि यह सही है या गलत है। तो यहाँ देखिए, यह जो है स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट से लेकर यहाँ स्टार्ट तक ये सात पुरना चाहिए। तो देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ तक ये देखिए सात पुर गया। तो आप इस तरह भी मिला लीजिएगा ताकि गलती ना हो। और फिर चलिए, ये तो सर्किट कंप्लीट हो गया, और फिर हमें यहाँ से एक सर्किट को फिर स्टार्ट करना है। तो सेम इसी तरह इसे अंदर वाला को ले लेना है, और इसके सामने जो हमें जो सर्किट पड़ रहा है, इस सर्किट को फिर हमें बाहर वाला ले लेना है। तो इस सर्किट का भी बाहर वाला फिर यहाँ बाहर वाला से कनेक्ट कर देना है, और फिर यहाँ देखिए इसका बच गया अंदर वाला, और फिर यहाँ अंदर वाला बच गया, तो हमें इसको ले लेना है। फिर यहाँ एक सर्किट ये भी कंप्लीट हो गया, तो इसका भी हो गया बी वन, और फिर यहाँ हम इसे कर देंगे बी टू। तो यह दो जो है दो सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया। यह देखिए, यह इसलिए हमें लिखा जाता है ए वन बी टू की, ताकि जो है इसका सीक्वेंस गलती ना हो, यह मिला सके, कोई भी आसानी से इसे कर सकता है। यह डेल्टा बनाना हो तो उसमें आसान रहता है, यह लिखा हुआ रहता है। तो देखिए, अब फिर तो यहाँ बच गया, अब मात्र एक सर्किट बच गया। तो इसे भी सेम इसी तरह करना है, इसे ले लेना है बाहर वाला, और इसका भी बाहर वाला लेकर कनेक्ट कर देना है, और फिर अंदर वाला और अंदर वाला को कनेक्ट कर देना है। तो यह हो गया टू पैरेलल में कनेक्शन, पूरा कनेक्शन इसका टू पैरेलल कंप्लीट हो गया। तो आप इस तरह से टू पोल मोटर को टू पैरेलल में कनेक्शन कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको फिर बताता हूँ, तो इस तरह से आप थ्री फेज मोटर टू पोल का मोटर को टू पैरेलल में कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इस तरह आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो
इससे अगले वाले मैंने वीडियो में फिर आपको बताऊंगा कि फोर पोल मोटर को टू पैरेलल में कनेक्शन कैसे किया जाता है और उसे अंदर में ही डाल्टा कैसे बनाया जाता है, तो अगले वीडियो में मैंने आपको वो भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मोटर में टू पैरेलल कनेक्शन क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का मोटर से रिलेटेड वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ।